नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आप Flipkart सेलर पैनल के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट आप Flipkart मार्केटप्लेस पर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसे कस्टमर Flipkart मार्केटप्लेस पर सर्च कर रहा है और वो Flipkart मार्केटप्लेस पर अवेलेबल नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, Flipkart इसकी अपॉर्चुनिटी हम सभी सेलर्स को देता है। Flipkart में एक पेज आता है लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी पेज, जिसे कि हम सेलर पैनल से एक्सेस कर सकते हैं और उस पेज के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट हम Flipkart मार्केटप्लेस पर सेल कर रहे हैं, उस कैटेगरी के प्रोडक्ट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि कस्टमर Flipkart मार्केटप्लेस पर लगातार सर्च कर रहे हैं और खूब सारे कस्टमर उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, लेकिन Flipkart मार्केटप्लेस पर कोई भी सेलर उस प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं रहा। तो वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके Flipkart पर सेल करोगे तो आपको अच्छी खासी सेल्स आने वाली है। वैसे तो ये लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी वाले पेज को सेलर पहले भी एक्सेस कर सकता था और काफी टाइम से ये पेज अवेलेबल है Flipkart सेलर पैनल पर, लेकिन अभी हाल ही में Flipkart ने इस पेज को अपग्रेड किया है और बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना दिया है और काफी सारे नए फीचर्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं। एक बार मैं आपको सिस्टम पर ले जाकर समझाता हूं कि आप कैसे इसे एक्सेस कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, Flipkart सेलर पैनल में लॉगिन करने के बाद इधर मेन्यू ऑप्शन में लिस्टिंग्स वाला ऑप्शन आता है और उसके अंडर ही आता है सिलेक्शन इनसाइट, उसके नीचे ही लिखा रहता है अपॉर्चुनिटीज, आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आप लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा और इसको आप इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इधर ग्रोथ वाले मेन्यू ऑप्शन में आएंगे, उसके अंडर आता है ग्रोथ सेंट्रल, जब आप उसे ओपन करोगे तो उधर आपको ऑप्शन दिखेगा एड न्यू प्रोडक्ट्स का। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उसी लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज वाले पेज पे आ जाओगे। तो दो तरीके से हम लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज वाले पेज पे आ सकते हैं। एक बार आप लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज वाले पेज पे आ गए तो देखिए इस तरीके से पेज जो है वो ओपन हो जाएगा और इस पेज में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दो चीजें दिखेंगी, वर्टिकल और ब्रांड। तो जिस वर्टिकल में आप Flipkart मार्केटप्लेस पर सेल कर रहे हो या फिर आपने कभी पास्ट में किया है, वो सभी वर्टिकल इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन होंगे और ब्रांड भी सभी मेंशन होंगे जिन सभी ब्रांड के प्रोडक्ट आपने पास्ट में सेल किए हैं। जब आप उस ब्रांड या वर्टिकल को सेलेक्ट करोगे तो आप उनमें से टिक कर सकते हो जिसके भी प्रोडक्ट आपको देखने हैं, जो Flipkart आपको बताना चाहता है कि जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो प्रोडक्ट Flipkart मार्केटप्लेस पर अवेलेबल नहीं है, सेलर उसे सर्च कर रहे हैं, तो आप उसे लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो आप वर्टिकल और ब्रांड के थ्रू फिल्टर लगा सकते हो और फिल्टर लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो आता है न्यू प्रोडक्ट्स का और एक आता है सोल्ड आउट का। देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो न्यू प्रोडक्ट और सोल्ड आउट का ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू प्रोडक्ट तो वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि Flipkart मार्केटप्लेस पर आज तक कभी लिस्ट ही नहीं हुए और उन प्रोडक्ट को आप लिस्ट करके अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि कस्टमर उसके बारे में Flipkart पर सर्च कर रहे हैं। और सोल्ड आउट प्रोडक्ट वो होते हैं जो कि Flipkart मार्केटप्लेस पर पहले किसी सेलर ने सेल किए होंगे लेकिन उसका स्टॉक खत्म हो गया और वो सोल्ड आउट शो कर रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट में रीलिस्ट करके अपनी बेसिकली क्वांटिटी अपडेट करके उसे सेलिंग कर सकते हो। और सोल्ड आउट वाले केस में तो आपको लिस्टिंग क्रिएट भी नहीं करनी, ऑलरेडी लिस्टिंग क्रिएटेड है, बस आपको अपनी क्वांटिटी अपडेट करनी है। और न्यू प्रोडक्ट वाले केस में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो या फिर अगर Flipkart के पास उस लिस्टिंग की डिटेल्स होगी तो आप डायरेक्टली वहां से भी ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो कि Flipkart हम सभी सेलर्स को देता है और जो सेलर्स इस लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर अपनी लिस्टिंग वगैरह करते हैं उनकी सेल्स बढ़ती ही है क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि मार्केटप्लेस पर कोई और सेलर सेल नहीं कर रहा है और आप एक्सक्लूसिव सेलर बन जाते हो उस प्रोडक्ट के। आपको पता होगा इन मार्केटप्लेस में प्रॉब्लम इसी बात की आती है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब Flipkart आपको खुद से ही बता रहा है कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि Flipkart मार्केटप्लेस पर कोई भी सेलर सेल नहीं कर रहा और आप करते हो तो आपको सेल आनी ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको एक्सप्लोर करना है। आपको इस तरीके से मेल आया होगा जिसमें लिख रहा था, डियर सेलर, वी होप दैट यू एंड योर फैमिली आर इन गुड हेल्थ। एज यू नो, वी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड आवर सेलर डैशबोर्ड फॉर योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स लाइक दिस इट हैज बिकम अ प्रायोरिटी फॉर अस टू मेक योर सेलिंग प्रोसेस एज इफेक्टिव एज पॉसिबल। इन वन सच अपग्रेड वी हैव एडेड ब्रांड न्यू फीचर इन अ लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पेज वेयर यू कैन सर्च फॉर न्यू लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऑन Flipkart। दिस पेज विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द लिस्टिंग दैट आर हाई इन डिमांड बट आर मिसिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। ऑन दिस पेज यू कैन एड न्यू लिस्टिंग अंडर न्यू प्रोडक्ट एंड सोल्ड आउट buckets. Under new product you can list product that have never been listed on the platform, and under sold out you can list product that were a part of the selection on the platform but now are out of stock. You can arrive at this page through two different path. To main aapko bata chuka hu, listing, selection, insight, opportunities, ya fir growth, growth central, add new product, or view the page
पेज फ्रॉम हियर, तो मैंने आपको भी पेज इधर दिखाया ही था और इसमें लिख रहा है देयर आर मेनी मोर इंटरेस्टिंग फीचर ऑन दिस पेज व्हिच यू कैन रीड अबाउट इट इन डिटेल हियर। तो मैंने इसी पेज को क्लिक किया था और मैं इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इस पेज को उधर से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा पेज है जो कि फ्लिपकार्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है और इससे हम फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट इनसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको पता चला होगा कि आपको कैसे प्रोडक्ट सर्च करने हैं फ्लिपकार्ट पर सेल करने से पहले। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा सेल करना है तो आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।